हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेज मोमोज़ की रेसिपी। और ये बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो यहाँ पर हमने लिए पत्ता गोभी, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ पर हमने लिए सोयाबीन की बड़ी, इनको हमने पानी में भिगो लिया है। पत्ता गोभी में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हम निचोड़ लेंगे। पत्ता गोभी का सारा पानी निचोड़ कर हम अलग कर देंगे। और ये देखिए, हमारी पत्ता गोभी अच्छे से पानी निकल गया है इसका। तो यहाँ पर हम सोयाबीन की बड़ी को भी निचोड़ लेंगे अच्छे से, और इसको एक जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे इसको। ये देखिए, हमने इसको दरदरा पीस लिया है, ये बहुत ही आसानी से पीस जाएगी। और इसको ग्राइंड करने के बाद हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए, अच्छे से ग्राइंड हो गई है सोयाबीन। और यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम डालेंगे 3 छोटे चम्मच ऑयल। यहाँ पर हमें ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, तो ये 3 छोटे चम्मच ऑयल डाल दिए इसमें हमने। ऑयल हम गर्म होने देंगे थोड़ा। यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच लहसुन, जिसको हमने बारीक कूट लिया है। तो इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है लहसुन को हमें। इसके बाद हम डालेंगे कुटी हुई अदरक, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर हम 2 मिनट के लिए इनको भूनेंगे। तो फ्लेम को हमें लो ही रखना है, नहीं तो लहसुन और अदरक हमारा पेस्ट चिपक जाएगा कढ़ाई में। और यहाँ पर हमने पत्ता गोभी को रखा हुआ था निचोड़ के, वो इसमें डाल देते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम 5 मिनट तक ऐसे ही भून लेंगे, जिस जो भी इसमें पानी वगैरह बचा हुआ थोड़ा बहुत, वो भी अच्छे से सूख जाएगा। और स्टफिंग हमारी बहुत ही अच्छी बनकर रेडी होगी। तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें सोयाबीन डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसको भी हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच अजीनोमोटो, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा स्टफिंग में, और मोमोज खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको भी। और यहाँ पर हम डालेंगे किचन किंग मसाला, मसाला डालने के बाद इसको 2-3 सेकंड ऐसे ही चलाते रहें, और फिर कर देंगे गैस को बंद और इसको रख देंगे हम ठंडा होने के लिए। तो ये अच्छे से हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है, तो इसको हम रख देंगे अब ठंडा होने के लिए। यहाँ पर हमने लिया 500 ग्राम मैदा, मैदे को हम छान लेंगे यहाँ पर। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, 1/2 चम्मच नमक, और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो तैयार करेंगे। और डो हमें थोड़ा टाइट रखना है, जैसा हम पूरी का आटा लगाते हैं वैसा ही आटा हमें गूंद कर तैयार करना है। तो इससे हमारे जो मोमोज़ के लिए हम रोटियां बेलेंगे वो बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगी। तो ये हमारा आटे का डो रेडी हो चुका है, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए हमें। तो इसको हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए ढककर। और ये 10 मिनट के बाद हमारा आटा एकदम सॉफ्ट हो चुका है, तो इसको निकाल लेते हैं हम दूसरे बर्तन में। और चलिए मोमोज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा आटा लिया है, इसको हम छोटी सी लोई बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल ऐसी छोटे साइज़ की लोई बना लेनी है हमें, ऐसे सारी लोई तैयार कर लेंगे।
और यहाँ पर हम थोड़ा सूखा मैदा लगाएंगे और एकदम पूरी की तरह इनको बेल लेंगे छोटे छोटे। ये बहुत ही अच्छे से बेल जाती हैं। और ये देखिए हमने पूरी बनाकर तैयार कर ली है। तो इसमें हम भरेंगे जो गोभी और सोयाबीन की स्टफिंग तैयार की थी हमने, वो भर लेंगे और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से ऐसे दबाते जाएंगे और मोमोज बनाते जाएंगे। और इसको फिर पूरा बनाने के बाद ऐसे ऊपर से बंद कर देंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा मोमोज बनकर रेडी हो गया हमारा। ऐसे ही हम दूसरा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने रोटी को बेल लिया है और इसमें भी हम स्टफिंग भर लेंगे। और इसको भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनाते जाएंगे। बिल्कुल आसान है मोमोज बनाना, तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर ट्राई करना। और ये देखिए हमारा दूसरा मोमोज भी बनकर रेडी हो गया है। तो ऐसे ही हम सारे मोमोज तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में पानी लिया है और यहाँ पर हमने लिया छलनी जो सभी के घर में आसानी से मिल जाती है। तो इसमें हम लगाएंगे ऑयल। ऑयल लगाने के बाद इसमें हम सारे मोमोज रख देंगे। एक एक करके इसमें सारे जचा देंगे। और इसके बाद हम इस पे लगाएंगे हल्का हल्का ऑयल जिससे चिपके ना इसके अंदर। तो इनको अब स्टीम लगाएंगे हम। यहाँ पर पानी हमारा उबल चुका है तो इस छलनी को हम रख देंगे कढ़ाई के ऊपर और गैस को कर देंगे हाई फ्लेम पर और इसको हम ढक देंगे। ढकने के बाद इसको हम हाई फ्लेम पर पकाएं कम से कम 10 से 15 मिनट तक और ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं हमारे मोमोज को और ये बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। तो देखिए इनको निकाल के दिखाती हूँ मैं। और ये देखिए बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं, ये बहुत ही अच्छे से मोमोज बनकर रेडी हुए हैं एकदम गोल मटोल से। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाएंगे। और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना आपके मोमोज कैसे बने। तो ये देखिए हमारे मोमोज बनकर रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।